मकराना शहर के रामधन रांदर भवन में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर राजपूत समाज की एक बैठक राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बाजोर ने कहा कि राजपूत समाज के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज जनसंघ के समय से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने पिछली मनमोहन सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मनमोहन सरकार के समय प्रत्येक दिन भ्रष्टाचार हुआ है और जनता के पैसे का जमकर दुरुपयोग किया गया है। इस 24 घंटे के अंदर उसको वापस इंडिया तुरंत भेज दे, अंदर का हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो लक्ष्य है दुनिया के लक्ष्य से खत्म हो जाए। धड़े सिंह अभिनंदन को 22 जनवरी देखे तो 35 हो चाहे राम मंदिर हो, कभी कोई कल्पना कर सकता है कि खाड़ी देश में भी राम मंदिर बनेगा? वहां नाम ले दे तो जेल में डाल दे, वहां राम मंदिर ठोक दिया, मंदिर बना दिया, इससे बड़ी बात है। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अपने देश में बातें तो बहुत चाहे 10 दिन तक बताते रहो। एक आयुष्मान के छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो भी घर में आकर के मनोरंजन के लिए टीवी देखते, तो टीवी खोलते ही वो बैठाते थे। बच्चों के दिमाग में भी उस 5 साल में ऐसा आ गया था कि ये नेता सभी चोर हो गए। इस प्रकार की घटना 6 घंटे के लिए अपने बच्चों को कहा कि तिरंगा झंडा उठा के तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। अपने बच्चे तो सुरक्षित आए ही आए, लेकिन पाकिस्तान के जो बच्चे थे वो भी तिरंगा उठा, जो भी आप बताओगे मैं ये कहता हूँ वो भी करें। अब मैं 2-3 बातें आपके बीच में रख रहा हूं। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल रहे हिंदुस्तान। लास्ट का जो 5 साल का कार्यक्रम था, देखा यहाँ पत्रकार भाई खड़े हैं, उनको भी बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। एक दिन ऐसा नहीं था जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हमेशा अखबारों में टीवी का कोई सा भी बटन खोलते, आज गुरु जी को डेरा कोयला को डेरा, मतलब कोई ना कोई। आपके माध्यम से एक निवेदन कर रहा हूँ, राजपूत समाज आज तो भारतीय जनता पार्टी आसमान पे है, लेकिन जिस दिन जनसंघ थी उस जमाने में 2 सीट आती थी, तब भी राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ वोट गिरता था, जनसंघ को वोट डालता था, कभी भी राजपूत खिलाफ वोट नहीं डालता। छोटा मोटा कभी न कभी कोई छोटी मोटी बातें होती रहती। राजपूत समाज हो चाहे मूल ओबीसी हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे बणिए हो, इन लोगों के कारण से आज मोदी जी वहां दिल्ली में बैठे राज कर रहे हैं। जाट तो बाद में आए, बाकी जिस जमाने में जाट एक वोट नहीं गिरता था भारतीय जनता पार्टी को, उस दिन भी ये लोग वोट डालते थे, जब भी आज भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस ने आज से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उतारा है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? गठबंधन कहा है सर, कहाँ है गठबंधन? देश में गठबंधन लग रहा है क्या? सर अपने अपनी डबली बजा रहे हैं, कोई कहाँ चुनाव लड़ रहा है, कोई कहाँ लड़ रहा है। राहुल गांधी के सामने चुनाव कौन लड़ रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही, हमारे शिक्र में कम्युनिस्ट पार्टी। आप देख रहे हो कांग्रेस इसका वोट डाली, कहाँ इनका गठबंधन? कोई गठबंधन नहीं है आज की तारीख में। मोदी जी के सामने कोई खड़ा होने की टक्कर लेने की पोजीशन नहीं रही, और इसलिए नहीं है साहब, मोदी जी ने काम किया है देश के लिए। जो इन्होंने 65 साल में काम किया उससे 10 गुना काम 10 साल में किया, चाहे कोई सा भी रूट कैसा भी आप उठा के देखिए। तो जनता इसलिए मोदी मोदी करती है, कोई किरणा किसी का नहीं। वो समय गया जो जाति की राजनीति कर देती, कोई काय की कर देता था, अब तो मोदी है, कोई जाति है कोई धर्म है, जिसको मोदी ने टिकट दे दी कोई जीत के जाएगी। 100% 25 की 25 सीटें आएगी। मैं आपको आज कह रहा हूँ, ये रोड़े रपे तो ऐसे ही होते रहते हैं, आखिर जब लास्ट मोमेंट पे वोट का बटन दबड़े जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को ही लोग बोलेंगे। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 की 25 सीट आएगी मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी जो काम जिस प्रकार से करते हैं, और हम लोग समाज के हैं, राजपूत समाज में पैदा हुए, इसलिए हमारे समाज में तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन अन्य समाजों को भी
सबको साथ लेके चलना और सबको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दें। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में काम किया है उसको देखते हुए आज विश्व में यदि हालात यही रहे दोबारा तीसरी बार जीतेंगे तो विश्व का नेतृत्व भी कोई दूर नहीं है, मोदी जी को करने का मौका मिलेगा, ये मेरी प्रार्थना। क्या सर संभव है क्या 400 पार हो पाएगी इस बार भाजपा? मोदी जी अमित शाह जी जो कहते हैं ना, आप उनका पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी उन्होंने कोई आंकड़ा बोला है वो हमेशा पार गए। इसलिए वो देश बहुत बड़ा है, मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मोदी जी अमित शाह जी पर दुनिया का पूरा ट्रस्ट है कि वो कहते हैं वो करते हैं।